मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच क्या नजदीकियां बढ़ रही हैं? ये सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि आज नीतीश कुमार पैदल चलकर 10 सर्कुलर रोड बंगले पर पहुंचे। ये बंगला आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का है। आज इफ्तार की पार्टी थी और उसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, तो लाजमी है ये सवाल उठना। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 5 सालों के अंतराल के बाद 10 सर्कुलर रोड आवास पर पहुंचे थे। मौका था इफ्तार पार्टी का, हालांकि बहुत ज़्यादा देर तक वो रुके नहीं, लेकिन जितनी देर भी रुके रहे, जितने भी रोजेदार थे, जितने भी पत्रकार थे, जितने भी मीडिया वाले थे, जितनी भी जनता थी, सबके जेहन में यही सवाल था कि आज अचानक मुख्यमंत्री आरजेडी के इफ्तार पार्टी में कैसे आ गए। 2017 में जब वो महागठबंधन में थे तो आखिरी बार इस आवास में आए थे और उसके 10 दिनों के बाद ही महागठबंधन से उनका नाता टूट गया था। 5 साल पूरा हम नहीं कहेंगे क्योंकि जुलाई 2017 में वो महागठबंधन से अलग हुए थे और ये अभी अप्रैल 2022 है। तो सवाल, जैसा कि मैंने कहा, सबके जेहन में यही है और जिस तरह की स्थिति परिस्थिति बिहार में चल रही है, बीजेपी जेडीयू के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का अभाव है, जिसका नतीजा आपने देखा बोचहां उपचुनाव में, खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी इस पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा होगी कि आखिर बोचहां में इतनी बड़ी हार एनडीए की क्यों हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में हम इतने अच्छे तालमेल में थे कि 40 में से 39 लोकसभा सीटें हमने जीती, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया। जेडीयू की तरफ से भी उपेंद्र कुशवाहा कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन का बिल्कुल अभाव है जेडीयू और बीजेपी के अंदर, और जो पहले, चाहे वो अरुण जेटली हों या पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जिनसे नीतीश कुमार अपनी बात रख सकते थे, बोल सकते थे, आज बीजेपी में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई नेता नहीं है। इससे परेशानी उनकी है, बिल्कुल जरूर है। अब इसका ये मतलब नहीं कि अचानक वो पलटी मार लेंगे, लेकिन एक सिंबॉलिक, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के परिणाम आने के बाद विधायक ये बोलने लगे कि उनका मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए, वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं संदेश, संकेत देने की जरूरत जरूर है और ये इफ्तार पार्टी उसका संकेत जरूर है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। अब इससे आगे बात कैसे बढ़ती है वो बहुत कुछ बीजेपी के व्यवहार पर निर्भर करता है। बीजेपी के नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि 2025 तक नीतीश कुमार 2025 तक ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उसके बाद वो क्या करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपना आगे का भविष्य तो देखेगा, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, बीजेपी का जो प्रयोग था कि अकेले ही हम सब कुछ अब कर लेंगे, वो बोचहां में उन्होंने मुंह की खाली उसकी, तो वो फार्मूला खत्म हो गया। अगर वो बोचहां जीत जाते तो स्थिति परिस्थिति आज बिहार में उनकी दूसरी होती। अब सबसे दिलचस्प बात कि गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार आ रहे हैं, कल पटना 10:30 बजे आएंगे और यहां से हेलीकॉप्टर से वो जाएंगे भोजपुर के जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने, विजय उत्सव के रूप में। लेकिन आप बताइए कि गृह मंत्री आ रहे हैं लेकिन
मुख्यमंत्री से मुलाकात का अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। कायदे से मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी चाहिए थी। तो एक उनके आने के ठीक पहले नीतीश कुमार का आरजेडी में इफ्तार पार्टी में जाना एक बहुत बड़ा संकेत भी है, इसे भी समझने की जरूरत है। और आगे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, आपको स्थिति परिस्थिति और स्पष्ट होती जाएगी। जैसा कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एक महीने के अंदर बिहार में बहुत कुछ होने वाला है, तो आप भी इंतजार कीजिए और हम भी इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।